सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, और सेकेंड वाला सेंटेंस पे दो बार ing क्यों लगा है। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग कुछ रूल्स कुछ यूज बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले और नीचे वाले में देख सकते हैं आप लोग, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। लव हैविंग और आर लविंग हैविंग का डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस का कुछ ऐसे रूल्स कुछ ऐसे यूजेस। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंट होता है। एक मेन डिफरेंस होता है कि एक टेम्पररी अरेंजमेंट और परमानेंट अरेंजमेंट को बताने के लिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक मेन डिफरेंस समझते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसका सी टी जी मैथ इन स्कूल, इट मीन्स वह इंग्लिश एक स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है। और यहाँ पे वह स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है ना, एक ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पर हम ये दोनों ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो स्कूल में पढ़ाती है और वो स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है ना। अब दोनों को कब सी टीचर्स का है और कब सी टीचिंग इंग्लिश का है, ठीक है। इस दोनों का अंतर देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, इफ़ वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन आपका ये ऐसे कन्फ्यूजन रह सकता है, ठीक है ना। देन आपका इसका मतलब होता है कि वो जो स्कूल में पढ़ाने का काम करता है वो परमानेंट है, ठीक है ना। वो वहाँ पढ़ाती है, वो परमानेंट मतलब वो जो इंग्लिश पढ़ाने का काम करती है वो स्कूल में वो परमानेंट तरीके से पढ़ाती है, ठीक है। अब जब हम उसी को हम कहेंगे कि सी इज टीचिंग इंग्लिश इन ए स्कूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस पे ये परमानेंट वाला अरेंजमेंट या परमानेंट एक सिचुएशन को नहीं दर्शाता है, ठीक है ना। जब हम उसे कहेंगे कि वो वहाँ पढ़ा रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सेंस निकलता है कि वो वहाँ पर पढ़ा रही है, अभी पढ़ा रही है, लेकिन वो वहाँ पर हो सकता है बाद में कहीं दूसरी जगह जाए। तो ये डिफरेंट अंतर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, पर टेम्पोरेरी एंड परमानेंट अरेंजमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है और कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है जब ऐसे कन्फ्यूज एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक पैसा दे रहा है और यहाँ पे ऊपर पे क्या है, बैंक पैसा देता है। अब जो है सेकेंड वाला कॉन्टेक्स्ट है, सेकेंड वाला कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या समझ में आता है कि जो बैंक जो है पैसा दे रहा है, ठीक है ना, पैसा दे रहा है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक एनकरेजमेंट देने के लिए पैसा बैंक दे रहा है। अब यहाँ पर जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है, ये हमें कहीं ना कहीं एक सेंस दे रहा है कि जो पैसा दे रहा है ये टेम्पोरेरी है, ठीक है। क्या है, टेम्पोरेरी, हो सकता है कुछ दिन के लिए दिया है और ये कुछ दिन बाद बंद करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा अंतर रहता है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है ना। बैंक लेंड मनी मतलब बैंक पैसा देता है, बैंक प्रॉफिट बनाने के लिए पैसा देता है, ये उन लोगों का क्या है, एक परमानेंट अरेंजमेंट है, ठीक है ना, वो बैंक ऐसा ही करता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, हमें कहीं ना कहीं हमें एक सेंस आता है कि जो बैंक पैसा देने का काम कर रहा है वो टेम्पोरेरी है, कुछ दिन के लिए देगा लेकिन उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में ऐसे अंतर हमें देखने को मिलते हैं। देखो, अब सिंपल प्रेजेंट का यूज़ यहाँ पर परफॉर्मेटिव वर्ब के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है ना। जब हम परफॉर्मेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं, परफॉर्मेटिव वर्ब्स ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, और लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट आप लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेटिव वर्ब्स बहुत सारे हैं, जैसे एडमिट हो गया, रिफ्यूज हो गया, एक दो और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है, और एक वीडियो भी है वहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब क्या होता है। जैसे एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट मैंने कहीं पर लिस्ट भी दिया हुआ, चेक करिए वीडियो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक्सेप्ट, एडवाइस, ठीक है। अगर आप इस परफॉर्मेटिव वर्ब्स को आप सेंटेंसेस पे बोलने पे लिखने पे यूज़ करेंगे तो देखो आपकी क्लियरिटी बढ़ेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्लियरिटी बढ़ेंगे। तो जब हम ऐसे परफॉर्मेटिव वर्ब्स यूज़ करेंगे तब भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे परफॉर्मेटिव वर्ब्स में आप शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखिए, सिंपल विद द वर्ब, ठीक है ना, जो वर्ब क्या है, दैट परफॉर्म्स द एक्शन दे डिस्क्राइब, ठीक है ना। देखो, ये वर्ब उन एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। देखो, ये वर्ब
उस वो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो वे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये बॉब जो है एक क्या है, परफॉर्मेटिव बॉब है। क्या है? परफॉर्मेटिव बॉब, ठीक है। आई एडमिट, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ हुआ है, ओके। अब यहाँ पर देखो, आई एडमिट, मैं क्या करता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ। ये एडमिट करना ही यहाँ पर जो मैं नहीं देखता हूँ, ये चीज़ को वो क्या करता है, एडमिट करता है। इसी बात को वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ये बॉब क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जो बॉब वो परफॉर्म कर रहा है उसी को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ रहा है बात, ध्यान से सुनिए। ये एडमिट करना ही क्या है, ये आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ, इस चीज़ को वो मैं क्या करता हूँ, एडमिट करता हूँ, ठीक है ना। और जो एक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसी को वो डिस्क्राइब भी करते हैं, परफॉर्मेटिव बॉब ऐसे होते हैं, ठीक है ना। आई रिफ्यूज़, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। क्या रिफ्यूज़ करता हूँ? टू बिलीव। ये मेरा क्या है, रिफ्यूजल है, ठीक है ना। टू बिलीव दैट ही डिड नो, कि मैं इस चीज़ को नकारता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ कि किस चीज़ को उसे पता नहीं है, इस चीज़ को विश्वास करना, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, रिफ्यूजल है। रिफ्यूज़ करना, क्या रिफ्यूज़ करना, टू बिलीव दैट ही डिड नॉट नो, किस चीज़ को रिफ्यूज़ करना, कि उसे जो बात पता नहीं है, इस चीज़ को बिलीव करना, मैं क्या करता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इस तरह के ऊपर एडमिट, आई एडमिट आई कैन नॉट सी, ठीक है ना, मैं इस बात को मानता हूँ, ये मेरा एडमिशन है, ये जो है ये क्या है, एडमिशन, ओके, ये मेरा एडमिशन है। तो ऐसे केसेस पे हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट हम ऐसे परफॉर्मेटिव बॉब्स के उसमें केस में यूज़ करेंगे। और परफॉर्मेटिव बॉब्स जो है मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। आई कैन एडमिट, यहाँ पर कैन लगाकर, ठीक है ना। आई माइट रिफ्यूज, ठीक है। इस तरीके मॉडल बॉब के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इस परफॉर्मेटिव बॉब को यूज़ कर सकते हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं स्टेटिव बॉब के साथ। जब हम सिंपल प्रेजेंट में स्टेटिव बॉब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे, और इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये दोनों सेंटेंस पे क्या डिफरेंट है, इसका आंसर करूँगा मैं पहले। और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले शुरू में पूछा था, उसका आंसर करूँगा कि लविंग और हैविंग का यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है दोनों आईएनजी, ठीक है। इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले वाला देखते हैं, पहले वाला जो है प्रेजेंट सिंपल या तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज होकर ये सेंटेंस बना है। यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लव बॉब जो है वो स्टेटिव बॉब है, ठीक है ना, स्टेटिव बॉब है। और इसका क्या मतलब होता है कि बच्चे जो है जब जेन हमारे साथ रहता है, ठीक है ना, रहता है, तब उस जेन की वहाँ पर रहना क्या है, बच्चों को पसंद है, ठीक है। पहले वाला आई है, समझ में आएगा। बच्चों को जेन के जेन जब हमारे साथ रहता है उस चीज़ को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला पे देखिए यहाँ पे कि चिल्ड्रन आर लविंग हैविंग जेन विद अस, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ दूसरा वाला पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि इस मोमेंट पे ऑन द प्रोसेस जो एक्शन हो रहा है वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, जेन का वहाँ पर रहना, ठीक है ना, जेन का वहाँ पर रहना। अब एट द मोमेंट ऑन द प्रोसेस क्या कर रहे हैं, बच्चे लाइक कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर लविंग हैविंग जेन विद अस, ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने पूछा था आप लोगों को लविंग और हैविंग यहाँ पर क्यों एक साथ यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता है जब भी हम स्टेटिव बॉब यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम जेरंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आई लव स्विमिंग, स्विमिंग एक जेरंड होता है। आई लव टॉकिंग क्या होता है, वो भी एक जेरंड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर लव जो है, लव भी एक स्टेटिव फॉर्म है लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग, अब ये भले ही ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ठीक है ना, फिर भी ये एक स्टेटिव बॉब है, ठीक है ना। स्टेटिव बॉब होने के कारण यहाँ पर इसके पीछे जेरंड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हैविंग एक जेरंड है, हैव से ही बना हुआ, ये जेरंड के रूप में काम कर रहा है। हैव मीन्स पास होना, और वहाँ यहाँ पर लेकिन ये इसका स्टेटिव बॉब में यूज़ होने के कारण यहाँ पर रहना, ठीक है ना, वहाँ पर रहना सेंस दे रहा है, फिर भी एक जेरंड है। तो यहाँ पर स्टेटिव बॉब एंड जेरंड होने के कारण ये दोनों एक साथ यूज़ किया गया है। आई गेस आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, ठीक है। सो इतना मेहनत से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर क्लास 9 टू क्लास 12 ये कोर्स कर रहे हैं। मिलते हैं कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। और आपको अगर लेसन मतलब एडवांस लग रहा है तो बोलिए, सिंपल में बताइए, या तो सिंपल लग रहा है तो बोलिए कि थोड़ा और एडवांस बताइए, तो मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।